नीतीश कुमार, आइए जानते हैं इनके बारे में जिन्होंने आज एनडीए को स्वीकार कर लिया है। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर बिहार में हुआ था। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और संप्रति बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले उन्होंने 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री और 2015 से 2017 के बीच सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर एनडीए से हाथ मिला लिया। नीतीश ने 2022 में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। वह जनता दल यू यानी जेडीयू के राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। नीतीश कुमार का जन्म हरनौत कल्याण बिगड़ा नालंदा में एक कुर्मी अवधिया परिवार में हुआ। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक बिहार के संस्थापकों में से एक महान गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के करीबी थे। उनके पिता कविराज राम लेखन के एक आयुर्वेद वैद्य थे। नीतीश कुमार का उपनाम मुन्ना है। उन्होंने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अब NIT पटना से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री मिली। वह बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए आधे मन से और बाद में राजनीति में चले गए। अब देखते हैं इनका राजनीतिक जीवन। नीतीश कुमार बिहार अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्र रहे हैं और अब राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान पटना के नाम से जाना जाता है। वहां से उन्होंने विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि हासिल की थी। वे 1974 एवं 77 में प्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे एवं उस समय के महान समाज सेवी एवं राजनेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काफी करीबी रहे थे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए थे। 1987 में वे युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। 1989 में उन्होंने बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया और उसी वर्ष वे 9वीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1990 में वे पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि मंत्री यानी राज्य मंत्री शामिल हुए। 1991 में वे एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें इस बार जनता दल का राष्ट्रीय सचिव चुना गया तथा संसद में वे जनता दल के उपनेता भी चुने गए। 1981 और 2000 में उन्होंने बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1998 से 99 में कुछ समय के लिए वे केंद्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री भी रहे और अगस्त 1999 में गैसाल में हुए रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इन्होंने एक कथन कहा था, मुझे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, छोटे साहब सत्येंद्र नाथ सिन्हा और जननायक कपूरपी ठाकुर के चरणों में जानने और सीखने का मौका मिला है। 1999 के लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा प्लस जेडीयू गठबंधन के हाथों से झटका लगा। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 पर आगे चलकर उभरा और यह व्यापक रूप से माना जाता था कि बिहार राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में लालू रावड़ी शासन समाप्त हो जाएगा। राजद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था लेकिन गठबंधन ने कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को यह विश्वास दिलाने का काम नहीं किया कि चारा घोटाला में लालू प्रसाद का नाम आने के बाद उनकी छवि खराब हो गई थी। नतीजतन कांग्रेस ने 2000 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। राजद को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों से संतुष्ट होना पड़ा लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीट बंटवारे की पहेली ने कुमार को अपनी समता पार्टी को शरद यादव और जनता दल के रामविलास पासवान गुट से बाहर कर दिया। जनता भाजपा और कुमार के बीच मतभेद भी पैदा हुए क्योंकि बाद वाले को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाना था लेकिन कुमार इसके पक्ष में नहीं थे। पासवान भी सीएम चेहरा बनना चाहते थे। मुस्लिम और ओबीसी भी अपना राय में विभाजित थे। मुसलमानों के एक वर्ग जिसमें पसमांदा जैसी गरीब समुदाय शामिल थे का मानना था कि लालू ने केवल शेख सैयद और पठान जैसे ऊपरी मुसलमानों को मजबूत किया और वे नए विकल्प की तलाश में थे। लालू यादव ने मुसलमानों के उद्धारकर्ता के रूप में अपने प्रक्षेपण के बाद से अन्य प्रमुख पिछड़ी जातियों जैसे कोरी और कुर्मी को भी अलग थलग कर दिया। संजय कुमार द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यह विश्वास है कि कोरी कुर्मी की जुड़वा जाति जैसे प्रमुख ओबीसी सत्ता में हिस्सा मांगेगी यदि वह यादव यानी उसका समर्थन मांगते हैं जबकि मुसलमान केवल सांप्रदायिक दंगों के दौरान सुरक्षा में संतुष्ट रहेंगे। यादव ने उनकी उपेक्षा की। इसके अलावा दोनों खेमों में विभाजन ने राज्य में राजनीतिक माहौल को एक आवेशपूर्ण बना दिया जिसमें कई दल बिना किसी सीमा के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे।
जेडीयू और भाजपा कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और समता पार्टी भी। परिणाम भाजपा के लिए एक झटका था जो मीडिया अभियानों में भारी जीत के साथ उभर रहा था। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सन 2000 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्हें सिर्फ 7 दिनों में त्यागपत्र देना पड़ा। 324 सदस्य में एनडीए और सहयोगी दलों के पास 151 विधायक थे, जबकि लालू प्रसाद यादव के 159 विधायक थे। दोनों गठबंधन 163 के बहुमत के निशान से कम थे। नीतीश ने सदन में अपनी संख्या साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। लालू यादव के राजनीतिक पैंतरेबाजी से राउड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सन 2000 में वे फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री बने। मई 2001 में 1 से 2004 तक वे भाजपा सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री रहे। 2004 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाढ़ एवं नालंदा से अपना पर्चा दाखिल किया, लेकिन वे बाढ़ की सीट हार गए। नवंबर 2005 में राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल हुए और मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ताजपोशी हुई। सन 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर वे भारी बहुमतों से अपने गठबंधन को जीत दिलाने में सफल रहे और पुनः मुख्यमंत्री बने। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी की संसदीय चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके छठे कार्यकाल में बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 शुरू हुई। आइए जानते हैं इनका निजी जीवन। 1973 में नीतीश कुमार का विवाह मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ था। मंजू कुमारी पटना में एक स्कूल में अध्यापिका थी। उनके पास एक बेटा है निशांत, जिनका जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ, जो बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मेसरा से इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। मंजू का 2007 में निधन हो गया था। नीतीश का उपनाम मुन्ना है। अब देखते हैं नीतीश कुमार की सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए। बिहार को लगातार भारत में सबसे भ्रष्ट राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। बिहार का जहां 75% नागरिकों ने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देने की बात स्वीकार की है, जिसमें से 50% ने कई बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत दी है, जबकि 25% ने एक या दो बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत दी है। बिहार में 47% ने संपत्ति पंजीकरण और अन्य भूमि मुद्दों के लिए रिश्वत दी, जबकि 6% ने नागरिक निगम को भुगतान किया। सर्वेक्षण के अनुसार 29% लोगों ने पुलिस को और 18% लोगों ने बिजली बोर्ड, परिवहन कार्यालय और कर कार्यालय जैसे अन्य लोगों को रिश्वत दी है। बागलपुर पुल डहलवा, शिक्षक भर्ती, भूमि और संपत्ति, पुलिस और सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत, इन सब के कारण बिहार विकास नहीं कर पाया और समृद्धि, निवेश और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आकर्षण करने और नौकरी के अवसरों के मामले में अन्य राज्यों से पीछे रह गया। नीतीश कुमार खुद अपनी पार्टी के नेताओं और राजद नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर चुप हैं। यहां तक कि लालू प्रसाद जी भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। मई 2014 को उन्होंने राष्ट्रीय आम चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनके बाद 68 वर्षीय जीतन राम मांझी ने बिहार के 23वें मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन मांझी के नाम की पेशकश की थी। हालांकि वह बिहार में राजनीतिक संकट के चलते फरवरी 2015 को कार्यालय में लौट आए और नवंबर 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में चुनाव जीता। वह 10 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 2019 के आगामी चुनाव में कई राजनेताओं, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य ने भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें प्रस्तावित किया। हालांकि उन्होंने ऐसी आकांक्षाओं से इनकार किया। 26 जुलाई 2017 को CBI द्वारा FIR में उप मुख्यमंत्री और लालू यादव प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव के नामकरण के कारण नीतीश कुमार यादव ने फिर से बिहार मुख्यमंत्री पद से गठबंधन सहयोगी RJD के बीच मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया। कुछ घंटे बाद वह NDA गठबंधन में शामिल हुए और मुख्यमंत्री की पुनः शपथ ली। इसके बाद 2020 में पुनः उन्होंने NDA गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन 2020 में पुनः NDA गठबंधन से अलग होकर अपनी पार्टी को राजद कांग्रेस गठबंधन महागठबंधन में शामिल कर लिया और मुख्यमंत्री पद की पुनः शपथ ली।